इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता पूरे प्रदेश में लागू है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी लोगों को अपने लाइसेंसी हथियार जमा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश दिए थे। बावजूद इसके कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी उचित कारण के हथियारों को अपने पास रखे हुए, जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान प्रभावित हो सकता है। जिला निर्वाचन कार्यालय की सिफारिश पर अब पुलिस ने लगभग आधा दर्जन ऐसे लोगों पर आर्म्स एक्ट और धारा 188 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपने हथियार थाने में जमा नहीं कराए थे। पुलिस अधीक्षक राजेश चंदेल का कहना है कि अब उनके हथियार अवैध हथियारों की श्रेणी में आ चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने विशेष परिस्थितियों में ही लाइसेंसी हथियारों को उनके धारक के अपने पास रहने की अनुमति दी है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना कारण के अपने हथियार आर्म्स डीलर या पुलिस के पास जमा नहीं कराए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आधा दर्जन लोग इसकी जद में आए हैं। इनमें से 5 लोग ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र के हैं। इनमें आशीष तोमर, अशोक तोमर, वीरेंद्र राठौर, सत्येंद्र सिंह एवं ज्ञान सिंह शामिल है। इनसे जो हथियार बरामद किए गए हैं उनमें 315 बोर, 12 बोर की बंदूकें शामिल है। ग्वालियर से रमेश प्रजापति की। अभी जो समय सीमा थी उसमें हथियार कई लोगों ने जमा नहीं किए हैं, उन पे हम लोग दिखवा के को वेरीफाई करा रहे हैं। कल इसमें हजीरा में हम लोग 3 लोग ऐसे मिले जिन्होंने हथियार जमा नहीं किए थे, उसका कोई खास कारण भी नहीं था, और इन लोगों पे हमने कार्रवाई करी है। आम सेट की भी कार्रवाई करी है और 188 की कार्रवाई भी की है। तो कोई भी व्यक्ति जो इसके पास लाइसेंसी हथियार है वो जमा करा दे, अंटिल अनलेस के पास उसकी छूट है, तो वो सभी को ध्यान में रखना है। उसी पे हम लोग लगातार निगाह रख रहे हैं कि किसी भी तरह का इस तरह का हथियार का कोई दुरुपयोग कोई चुनाव में प्रभावित करने के लिए ना करे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।